नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं CNN न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की प्रमुख खबर से। झारखंड के बोकारो सदर अस्पताल में लापरवाही की हद हो चुकी है। यही कारण है कि टॉयलेट में एक्सपायरी दवाई मिलने के बाद इसकी जांच खत्म कर जैसे ही कार्रवाई की अनुशंसा की गई, अस्पताल के बाथरूम, गैरेज और दो कमरों में लाखों रुपए की दवा की बर्बादी की बात फिर सामने आ गई। इसमें एंटी रेबीज, पैरासिटामोल, डाइक्लोवेन, आइब्रूफेन, सिट्राजेन, टेक्सिम जैसी दवाएं शामिल हैं जो एक्सपायर हो चुकी हैं। वर्ष 2020 और 2021 के कोरोना काल में जितनी दवाई गैरेज और कमरों में सड़ा दी गई, उतनी दवाओं से 5 से अधिक मेडिकल दुकानें खुल सकती। जब इस बात की जानकारी बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी को मिली तो उन्होंने बोकारो के DTO संजीव कुमार को अस्पताल जांच के लिए भेजा, लेकिन आधे घंटे तक संजीव कुमार इधर उधर भटकते रहे। इस दौरान उपाधीक्षक डॉक्टर संजय कुमार और इस पूरे प्रकरण के कर्ता धर्ता फार्मासिस्ट नवीन कुमार ने उन्हें कमरों की चाबियां उपलब्ध नहीं कराई। इसके बाद वे लौट कर चले गए। पड़ताल के दौरान इमरजेंसी के पास बने स्वास्थ्य कर्मियों के आवास D2 में दवाइयां भरी पड़ी थी। सदर अस्पताल के उपाधीक्षक के कार्यालय के सामने स्थित इलेक्ट्रिक रूम में ताला लगा हुआ था, जिसमें एक्सपायरी दवाइयों की भारी स्टॉक होने की बात कही गई। इस मामले को लेकर बोकारो के उपायुक्त कुलदीप चौधरी ने बताया कि पहले एक मामले की जांच हो चुकी है, अब फिर से इस मामले की जांच की जाएगी और जो भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि जिले भर में अब इसकी पड़ताल कराई जाएगी। सिर्फ सदर अस्पताल ही नहीं, प्रखंडों में भी अगर दवाई इसी तरह रख कर एक्सपायरी करा दी गई तो उसकी भी पड़ताल की जाएगी। खबरों में अब तक ये बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही किसी बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए CNN न्यूज।